पहले अब 12:30 हो रहे हैं टाइम ये किमकोटी पड़ता गेट के सामने का एसबीआई का एटीएम है कि दूसरे बैंक के एटीएम कोई खुले नहीं है कि कोटक है कैनरा बैंक है तमाम बैंक है वो कोई एटीएम खुले नहीं है एसबीआई की फैसिलिटी बहुत अच्छी है कि अब ये टाइम तक विड्रॉ हो रहे हैं पैसे और कोई फीसों के लिए स्टूडेंट आ रहे हैं उन लोगों के लिए टाइम पे मिल रहे हैं पैसे कोई बैंक ऐसी फैसिलिटी नहीं देती जो एसबीआई देती है सर 4-5 जगह एटीएम पे घूम गए हैं बशीरबाग गए हैं इधर लकड़ी का पुल सब जगह जाके आए हैं कहीं पर भी एक भी एटीएम काम नहीं कर रहा सब जगह लिखा है आउट ऑफ ऑर्डर और पर्चियाँ पड़ी हुई है कोई नहीं है सुबह पैसे भरने हैं हमारे को पासपोर्ट ऑफिस के तो उसके लिए भी हमारे पैसे नहीं है और इतनी जगह धक्के खा के आए हैं कम से कम हमारा 20-25 किलोमीटर तो हम राउंड मार के आ गए कहीं फिर भी किसी एटीएम में 1 रुपया भी नहीं है ये झूठ बोल रहे हैं कि हर एटीएम में पैसे हैं हमने 500 का नोट डलवा दिया 2000 का नोट डलवा दिया और अभी यहाँ पर भी देख लो यहाँ पर भी एटीएम आउट ऑफ ऑर्डर लिखा हुआ है आप जाके देख सकते हैं हर जगह ऐसे ही बोर्ड लगे हुए हैं आउट ऑफ ऑर्डर हमारे को इतनी परेशानी हो रही है चलो हमने पेट्रोल तो डलवा लिया पुराने नोट से अभी रोटी कहाँ से खाएंगे 100 रुपये का नोट है नहीं 500 का नोट पड़े हैं अब इनको चाटेंगे क्या करेंगे आप बताओ अब रात का समय क्या हो रहा है टाइम क्या हो रहा है सर अभी रात को बजे 12:30 हो रहे हैं 10 बजे से हम घूम रहे हैं पूरी जगह घूम के आ गए कहीं पर भी पैसा नहीं है आप कहाँ से हैं हैदराबाद से हैदराबाद से हैदराबाद से हाँ जी ये बाजू में ही रहते हैं ओके अच्छा ये बोलिए अभी ये जो नए नोट तब्दीली का जो फैसला लिया है उससे आप खुश हो या ना खुश आपको पसंद है सर गवर्नमेंट ने फैसला सही लिया गलत लिया उसको तो हमारे को नहीं पता हमारे को हमारे पैसे मिल जाए वही बहुत है फैसला सही है गलत है या उनके बड़े लोगों का काम है हमारे से तो पूछा नहीं गया कि ये फैसला लेना या नहीं लेना अगर ये फैसला लेना था तो उनको पहले इंतजाम करने थे कम से कम गरीब आदमी को परेशानी ना हो जो सुबह दूध वाला आता है वो बोलता है 100 का नोट दो 500 का नोट लेता नहीं उसको कहाँ से पैसे देंगे हम ऑटो रिक्शा में बैठते ऑटो वाला बोलता है पहले पैसे खुले दो तब बैठना कहीं पर भी कुछ सामान लेने जाते हैं 100 का नोट मांगते हैं लोग 500 का नोट दिखाते हैं वो भगा देते हैं पहले ही सर 7,76,912 रुपये पड़े हैं और मेरे पास रोटी खाने का पैसा नहीं है सात लाख 76,000 पड़े हैं मगर मेरे पास 2,000 रुपये भी नहीं है अभी बताओ क्या करेंगे आप कुछ बोलना चाहेंगे गवर्नमेंट को कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में सर गवर्नमेंट को यही बोलना चाहेंगे जो लोग 4-4 बार पैसे निकाल रहे हैं कम से कम उनको तो रोको हमारे को एक बार तो दे दो पैसे आईडी लेके जा रहे हो ना लोगों के लोग जा रहे हैं वही आदमी लाइन में लगता है फिर दोबारा लाइन में लग जाता है और जो जानवर आदमी है उसको पैसा ही नहीं मिल रहा कम से कम इसका तो इंतजाम करो ना नहीं आज कल आज तो दूसरा दिन हो चुका है वो दिन से नहीं नहीं दो दिन से तो शाही लगा रहे हैं ना जो लोग डबल जाएंगे उनको मालूम होने के लिए आज से लगा रहे हैं आईडी चेंज कर लेना होना बोला आईडी चेंज जो है सुधीर ने बोला अच्छा ये बताइए ये फैसले से आप खुश हैं या ना खुश हैं जो नोट बदली हुई है अभी जो चेंज किया गया है नोट उससे आपको होने का मतलब नहीं खुश तो है क्या करेंगे मगर पैसा नहीं निकल रहा ना अंदर उसका कुछ होना ना चेंज करने के लिए मुश्किल हो रहा ना वो लाइन में 100 लोग के ऊपर नहीं दे रहे कौन से बैंक में गए तो गरीब लोग अंदर हाँ बोलिए सर इस फैसले से हम बहुत खुश है बहुत अच्छी चीज है लोगों के पास जो ब्लैक मनी है वो निकलनी चाहिए लेकिन जिनके पास रोटी खाने को पैसा नहीं है लाइन में तो वो लगे हुए हैं क्या आपने किसी ब्लैक मनी वाले को लाइन में लगे हुए देखा एक आदमी भी अमीर आदमी लाइन में नहीं है वो अपने घर में बैठ के पैसे बदलवा ले रहा है जो कोई 30% में बदलवा रहा है कोई 20% में बदलवा रहा है कोई 10% में बदलवा रहा है लेकिन जो गरीब आदमी है वो बेचारे शाम तक सुबह आप ना अभी भी जाओ हर जगह एटीएम के बाहर लोग बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि पैसा आएगा और पैसा आता जो 2 नंबरी लोग हैं वो जाके पहले पैसा निकाल लेते हैं अभी ये भी बैंक में जाओ आप यहाँ पे भी पैसे नहीं है बोल रहे नहीं है आउट ऑफ लाइन में जाओ नहीं है पैसे बोल रहे जिसका 10-10 खाते है ये अकाउंट नहीं है ये बैंक में 10 खाते है तो भी उन्होंने बोल रहे हैं अकाउंट में बैलेंस नहीं सर मेरी दुकान की डेली की सेल थी 15-20 हज़ार पे आज मेरी दुकान की 200 रुपये की भी सेल नहीं है 200 रुपये की भी सेल नहीं है लोग आके बोलते हैं 500 रुपये देते हैं बोलते हैं 200 रुपये का सामान दो हम 300 रुपये कहाँ से देंगे उसको हमारे पास खुद पैसे नहीं है हम उसको बोलते हैं 500 का सामान ले ले तो भी वो नहीं लेता आप क्या काम करते हैं मैं सर्जिकल आइटम सर्जिकल
तो आप बता रहे थे पैसे ले, काम छोड़ करके पैसे लेने के लिए घूमने जी, तो सेठ सेठ इजाजत देता है जाने के लिए? अपना पैसा सैलरी देते तो पुराने पैसे देते ना सर, तो चेंज कराने के लिए ड्यूटी छोड़ के एक दिन एब्सेंट करके जाना पड़ता। अब ये बताओ आप ये फैसले से खुश हो या ना खुश हो? हाँ फैसले से खुश है, मगर वो गरीब आदमी क्या करे, ड्यूटी छोड़ के तो एक दिन बोले तो भूखा ही मरेगा, ऐसे चेंज कराने को जाएंगे पैसा तो पैसे ही नहीं रख रहे मतलब? हाँ ओनली ब्रांच में रख रहे। अच्छा ओनली ब्रांच में, एटीएम में नहीं रख रहे? तो ब्रांच जब खुला है जब ही पैसा मिलेगा। ओके लोग आ रहे हैं यहाँ पर और? लाइन तो रहे। हाँ तो एटीएम में अभी कितने दिन से नहीं है पैसा? जब मोदी बोले जब से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एम आई से कई ए टी एम में फिल गया, कई ए टी एम में मेरे को पैसे नहीं मिल रहे, पैसों की बहुत परेशानी हो जा रही। अब भाई हर ए टी एम में जा रहा हूँ, लाइन में ठहर रहा हूँ, दो तीन घंटे लाइन में ठहर रहा हूँ। लाइन में ठहर के अपन पैसे निकालने गए थे कि ऐसा ना ए टी एम में कैश खत्म हो जा रहा, इतनी प्रॉब्लम हो रही आम जनता को, कितनी प्रॉब्लम हो रही क्या है कुछ इसका अंदाज़ा ही नहीं है। अब कितनी परेशानी हो रही, अब हमारे हॉस्पिटल को जैसा ना पैसे लेके आओ बोल के बोले, अब फिर रहे अपन जैसा ना हॉस्पिटल में जैसा ना पैसे देना है मेरे को, कैश ही नहीं निकल रहा। कितने पैसे देने हैं हॉस्पिटल? मेरे को 2500 रुपए की जरूरत है। अब 1000 असरा हॉस्पिटल गया था मैं, तो गोलियाँ वोलियाँ लिख के करके दिए मेरे को जी, तो टैबलेट लेके आने का था मेरे को। अब मेरे को जैसा ना एटीएम में पैसे नहीं निकल रहे, फिर रो मई यहाँ पे मौजना मार्केट के भी लाइन में ठहरा, मशीन खराब हो गई, बंद हो गई मशीन। बोले साहब अपनी प्रॉब्लम बताओ, ये हमारे लिए तो है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल वाले कौन थे? हॉस्पिटल में मैं गया था, हॉस्पिटल में मेरा एक फ्रेंड पेट दुख रहा बोल के वो हॉस्पिटल में गए, तो 2000 के नोट दे रहे तो भी नहीं ले रहा, वो इजी कार्ड में भी ले बोल तो भी नहीं ले रहा। अब किस में देना उसको पैसे, चिले 100 के नहीं है, 500 के नोट आए उसके पास, अभी नहीं देना है तो 2000 का नोट नहीं ले तो बोल रहे, अब क्या करेंगे उसके पास, कुछ भी करने नहीं आए वहाँ पे भी, बहुत मुश्किल कर। कहाँ कहाँ ढूंढ के आए आप पैसों के लिए? पूरा बंजर ही जा गया मैं भी, और जैसे टिबल फाई होटल इधर मौजमजा मार्केट पूरा इधर फिर गया हूँ। कब से निकले आप? एक घंटे तक, दो घंटे तक तो फिर रहा हूँ, दो घंटे तक। अब रात का क्या टाइम हो रहा है? अभी इधर नामपल्ली पे जैसो है, इतनी पब्लिक है भरे भी, अभी भी बहुत पब्लिक है। नोट बदली हुई है उससे आप खुश हैं या आपको पसंद आया या नहीं आया? बहुत पसंद आया साहब इससे जी। सबसे पहले तो एक तो ब्लैक मनी बंद हो गया उस चीज़ से, और एक सबसे बड़ी चीज़ एक हो गया इस चीज़ से, मार्केट में एक तेजी मनी थोड़ा होते रहता कुछ चीज़ से बात, तेजी मनी तो सदा जिंदगी भर कर रहा है ये तो, आता का तो कहने का सुधरेगा मार्केट, और ब्लैक मनी का सही तरीके से निकले तो मार्केट आगे चलकर सुधर जाता। थैंक यू सो मच।